तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ भाई मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो आईपीएल का 43वां मैच खेला जाएगा उसके बारे में। कुछ डीम टीस प्रेडिक्शन पिच रिपोर्ट सब कुछ मैं आप लोगों को बता कर दूंगा भाई। तो मैच कहाँ खेला जाएगा भाई? तो मैच खेला जाएगा भाई दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम पर मैच खेला जाएगा। यहाँ का पिच पे ना क्या होता है भाई, यहाँ का पिच रिपोर्ट मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ का पिच पे भाई बहुत ही ज़्यादा भाई बैटिंग को सूट करता है पिच, पिच पे बहुत ज़्यादा रन बनता है भाई। यहाँ पर आप लोगों को रन बनते हुए दिखेगा, बॉलर्स विकेट भी चटकाएगा। पर इस बार आईपीएल में क्या हुआ भाई, बहुत सी पिच पर बैटिंग पिच बना कर रखा गया है तो रन यहाँ पर बनेगा बहुत। ठीक है भाई, तो हम लोग चलते हैं कुछ की मैचेस के ऊपर। ठीक है, की मैचेस देख लो भाई। की मैचेस हम लोग लेंगे रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को एंड ईशान किशन को, एंड यहाँ से लूँगा नॉटरी जी को, हर्षद अक्षर पटेल को, कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल एंड खलील अहमद को ले लिया भाई हम लोग, एंड तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, पृथ्वी शॉ। ठीक है भाई, तो एंड भाई से होप एंड मैं नहीं ले रहा हूँ अभी के लिए से होप को। तो देखो कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है, तो की मैचेस पे देखो भाई, ये जो नॉटरी जी है आपका, ठीक है, ये रोहित शर्मा को दो बार आउट कर चुका है 34 balls and 60 runs। तो रोहित शर्मा इसका बॉल आराम से खेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, अक्षर पटेल रोहित शर्मा को 3 बार आउट कर चुका है 69 balls and 60 runs। तो रोहित शर्मा अक्षर पटेल के सामने भी ठीक ठाक ही है, पर 3 बार आउट कर चुका है, बात यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अक्षर पटेल हुआ, कुलदीप यादव ईशान किशन को 2 बार आउट कर चुका है 45 balls and 46 runs। तो भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है कुलदीप यादव के सामने ईशान किशन। ठीक है, फिर आते हम लोग अक्षर पटेल सूर्य कुमार यादव को 61 बॉल में 53 रन बनाया सूर्य कुमार यादव एंड 2 केवल 1 बार आउट कर चुका है। तो सूर्य कुमार यादव को अक्षर पटेल के सामने कोई दिक्कत नहीं, पर नॉटरी जी सूर्य कुमार यादव को 2 बार आउट कर चुका है। ठीक है, 33 balls and 49 runs। ठीक है भाई, तो सूर्य कुमार यादव को नॉटरी जी से थोड़ा दिक्कत है। एंड खलील अहमद तिलक वर्मा को 10 रन देके सिर्फ 7 बॉल डाला एंड 2 बार आउट कर दिया। तो खलील अहमद तिलक वर्मा को जल्दी आउट कर सकता है। ठीक है भाई, खलील अहमद हार्दिक पांड्या को 3 बार आउट कर चुका है 26 balls 37 runs। ठीक है, अक्षर पटेल टीम डेविड को 2 बार आउट कर चुका है 23 balls and 20 runs। जसप्रीत बुमराह पृथ्वी शॉ को, बता दे रहा हूँ मैं बुमराह को यहाँ पर लिया नहीं, 2 बार आउट कर चुका 22 balls में 16 runs। ठीक है भाई, ये था भाई मेरा कुछ की मैचेस, और दो की मैचेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, सुन लो ध्यान से। से होप को बुमराह ओडीआई रिकॉर्ड है भाई, ठीक है, मोहम्मद नबी ओ से होप को ओडीआई रिकॉर्ड है, मैंने इसीलिए बोला नहीं।
मोहम्मद नबी सहवाग को दो बार आउट कर चुका 22 बॉल में 30 रन्स। ओके भाई, ये तो भाई हम लोगों का कुछ की मैचेस जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरे प्रेडिक्शन में आज कौन कौन प्लेयर हम लोगों को लिया परफॉर्मेंस करेगा भाई देख लो, ठीक है। तो इस सब का मैं हटाता हूँ। मैं पहले भाई किसको लूँगा, मैं यहाँ से चारों बॉलर को लूँगा, बुमराह, कुलदीप, कोटचिया एंड मुकेश कुमार। मैं चारों बॉलर के साथ गया। ओके भाई, एंड यहाँ पर मैं लूँगा सिर्फ अक्षर पटेल को और किसी को नहीं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव आज रन बनाएगा, पृथ्वी शो एंड फैसल मैकग्रा में से किसी एक रन बनाएगा तो मैं मैकग्रा के साथ जाऊँगा। क्रिस्टन स्टाब एंड ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टाब और ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक रन बनाएगा भाई, मुझे आज लग रहा है किसी दोनों में से कोई एक रन बनाएगा, ठीक है। तो मैं देखिए भाई, ईशान किशन जो पंत का हम लोग ड्रॉप कर नहीं सकते, ठीक है, और मैं स्टब को ड्रॉप करना नहीं चाहूँगा। स्टब कभी भी बॉलिंग करा सकता है भाई, ठीक है। और स्टब का और एक बात क्या है भाई, स्टब मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेल चुका है, तो स्टब मेरे लिए आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रिस्टन स्टब। तो स्टब को मैं ड्रॉप किसी भी हालत में नहीं करूँगा, इसको भी तो ड्रॉप नहीं कर सकते भाई, फॉर्म में ठीक ठाक है, 30 रन तो बना ही देगा, ठीक है। चलो यार, अब कप्तान वाइस कैप्टन का बारी, तो हम लोग कप्तान किसको देंगे। हाँ, मेरा एक प्रेडिक्शन है, मैं जो लग रहा है ये जो आपका अभिषेक पेरोल है, ये मुझे आज अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है, अभिषेक पेरोल। और अगर विकेट गिरेगा तो सही होप मुझे लग रहा है रन बना के देगा। ओके, तो कप्तान मैं दूंगा यहाँ से अक्षर पटेल को, जो दोनों इनिंग्स में मुझे विकेट भी चटका के देगा एंड बैटिंग भी करके देगा। वाइस कप्तान मैं दूंगा यहाँ से अभी के लिए, स्मॉल लीग का बता रहा हूँ मैं, फैसल मैकग्रा को, ठीक है। चाहे तो आप लोग रोहित शर्मा को दे सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को दे सकते हैं, ऋषभ पंत को दे सकते हैं। अगर मैं अगर ग्रैंड लीग जो टीम बनाऊंगा, ग्रैंड लीग टीम में मेरा कप्तान रहेगा कौन, क्रिस्टन स्टब। वाइस कप्तान मेरा रहेगा कुलदीप यादव या तो सूर्य कुमार यादव। तो अभी के लिए अक्षर पटेल एंड मेगर फैसल, ठीक है। तो भाई ये मेरा टीम है, पर ये मेरा फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा टीम स्काई वर्ल्ड, तो फटाफट टीम स्काई वर्ल्ड चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आप लोगों को फाइनल टीम मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो दोस्तों। थैंक यू।